ओम श्री साईनाथाय नमः। बाबा के चित्र को देखना बाबा को प्रत्यक्ष देखने के समान है, लेकिन इसके लिए आपके मन में दृढ़ विश्वास और भाव होना चाहिए। जो जिस भाव से बाबा को निहारेगा, बाबा उसी भाव से उस भक्त को एहसास कराएंगे कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ था, हूँ और रहूँगा। लेकिन बस आपका भाव, आपके मन की आंखें होनी चाहिए बाबा को देखने के लिए, क्योंकि ऐसी शक्ति यूं ही नहीं दिखा करती। कई बार तो हमें दिख भी जाती है और हम उसको हमारे सामने से होकर चले जाते हैं देवा, और हम पहचान नहीं पाते, फिर कहते हैं कि बाबा ने हमें दर्शन नहीं दिए। इसलिए अपना मन का भाव अच्छा कर लो, साईं तो आपको कण कण में दिखाई देगा। साईं आपके हर जगह है, आपके अंदर भी है, और जिससे आप प्यार करते हैं उसके अंदर भी साईं है। बस पहचानने वाली वो आँखें होनी चाहिए आपके पास। सही समय का इंतज़ार करो, सही समय आने पर साईं आपको हर संकेत देगा। पल पल में आपको एहसास होगा कि हाँ, बाबा मेरे साथ है। इसलिए अगर ज़रूरत है तो आपको सच्चे भाव और विश्वास की, क्योंकि जिस रिश्ते में विश्वास नहीं होता वो रिश्ता फिर बहुत छोटे समय तक होता है। चाहे भगवान से बना लो और चाहे इंसान से, फिर चाहे पशु पक्षी से ही क्यों ना बना लो, जानवरों से ही क्यों ना बना लो, प्यार और विश्वास, ये रिश्ता बहुत लंबा भी चल सकता है, और अगर नहीं है विश्वास तो बहुत कम समय के लिए होता है रिश्ता, और विश्वास करना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले अपने मन को, अपनी सोच को अच्छा बनाइए। साईं तो हमेशा आपके साथ है, हमेशा रहेगा। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा की कृपा से हर रोज़ मॉर्निंग प्रेयर की जाती है। सच्चे भाव से, सच्ची भावना से हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, और साईं ने तो कहा है कि जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है उसका चेहरा कभी मैं उदास होने नहीं दूंगा। तो बस आने वाले समय का इंतज़ार कीजिए, सब अच्छा हो जाएगा। चिंता नहीं करना, रोना तो साईं के आगे बैठ कर रोना। ओम श्री साईनाथाय नमः। जय साई राम। साईं शुभ रात्रि।